हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, जो कि जिसमें बहुत से बच्चों को बहुत डाउट होता है। सो आई वुड लाइक टू से कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्लास। एट द सेम टाइम मैं आपको अश्योर करता हूँ कि बाय द एंड ऑफ द क्लास और बाय द एंड ऑफ दिस होल टॉपिक यू विल हैव नो डाउट्स एंड यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी टाइप ऑफ प्रॉब्लम दैट विल कम इन योर वे, बिकॉज वी आर गोइंग टू डू हंड्रेड्स ऑफ प्रॉब्लम इन द लेक्चर। सो फर्स्टली टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट कैसे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट बेसिकली दो टाइप के होते हैं, होता है आपका परमानेंट पोलराइजेशन। आई ट्राई टू राइट डाउन दिस थ्योरी सो आई कैन डू नो क्वेश्चन। सो फर्स्ट इज परमानेंट पोलराइजेशन एंड योर सेकेंड वन इज टेम्पररी। टेम्पररी पोलराइजेशन बेसिकली कुछ नहीं होता, हम इसके बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ेंगे भी नहीं, बिकॉज इसमें बस एक इफेक्ट आता है। सो परमानेंट पोलराइजेशन में तीन इफेक्ट्स होते हैं, फर्स्ट इंडक्टिव इफेक्ट, सेकेंड वन इज योर मेसोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट, जो कि बेसिकली रेजोनेंस की वजह से होता है। तो दैट इज वाई मैंने आपको रेजोनेंस सबसे पहले पढ़ाया था। एंड देन हाइपर कंजुगेशन, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग इफेक्ट। एजेंट डाला तो टेम्पररीली इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो जाते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन या कार्बन पे चले गए या वाई पे चले गए, बट जैसे हमने रिएजेंट निकाला तो वापस वैसे ही हो जाएगा। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से। सो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट, ऑल ऑफ दिस, इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली आपका इंडक्टिव इफेक्ट इज द इफेक्ट विच बेसिकली हैपन्स। सो इस इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट आपका होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, सच एज इफ हमारे कार्बन एटम के साथ कोई वाई एटम जुड़ा हुआ है। अब ये एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा हो सकता है और इधर ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकता है, और इलेक्ट्रॉन इधर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो सकता है, और क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, विच इज़ बेसिकली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट। सो इलेक्ट्रॉन अगर विदड्रॉइंग हुआ तो ये अपने पे माइनस चार्ज ले आएगा और कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज ले आएगा, राइट। एंड अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ तो ये कार्बन के ऊपर, विच मीन्स बेसिकली ये लाएगा तो नहीं, चार्जेस तो डिस्प्लेसमेंट तो नहीं होगा, बट द थिंग इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड मोर ओवर इसकी तरफ होगा, और अगर विदड्रॉइंग है तो मोर ओवर इसकी तरफ होगा, और कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा। ओके, बट एट द सेम टाइम अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो कार्बन के आसपास होंगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड मोर ओवर, एंड बेसिकली इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा, कार्बन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा। अगर दोनों की, अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड की बात करें तो उसमें कार्बन के एटम कहाँ पे होंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपके मिडिल में होंगे, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रॉन रिलेटिविटी सेम है, राइट। सो गोइंग अहेड, इलेक्ट्रोनेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट में बहुत सी चीज़ें आती हैं। सो बेसिकली अगर आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है सो इट वुड बी माइनस आई इफेक्ट, एंड इफ इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है तो क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट। ओके, बट अब हमें कुछ चीज़ें इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में याद रखनी है, जैसे कि फर्स्ट वन इज इंडक्टिव इफेक्ट। अगर मान के चले हम कार्बन C2, C1 और C3 एक वाई एटम जुड़ा हुआ है, सो इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, क्योंकि हमें पता है कि सबसे ज़्यादा किससे खींच पाएगा ये इलेक्ट्रॉन। अगर मान के चले कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर हम मान लें तो ज़्यादा कार्बन से, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किससे खींच पाएगा, कार्बन वन से, कार्बन टू से उससे कम, कार्बन थ्री से उससे भी कम, राइट। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। ओके, तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है। सो एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस। ओके, नाउ अब हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ से हमने पहला चीज जो डिराइव करी, इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, राइट। नाउ इंडक्टिव इफेक्ट के दो टाइप्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, टाइप वन माइनस आई इफेक्ट, और विल गो विद प्लस आई इफेक्ट फर्स्ट एंड देन माइनस आई इफेक्ट। ओके, तो माइनस आई इफेक्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा होगा और प्लस आई में इलेक्ट्रो पॉजिटिव। सो प्लस आई इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, ये सब थ्योरी है, इसके बाद हम एक्चुअल क्वेश्चंस करेंगे। और यहाँ बेसिकली व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज द ऑर्डर व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू, फाइनली यू माइट नॉट फाइंड इट इन
various portions. Okay. So the thing is, plus I effect ka hume first point is it's a electron donating effect, right? So plus I effect increases the electron density. So plus I effect हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है कार्बन के ऊपर, राइट? अगर कार्बन से जुड़ा हुआ है तो प्लस आई इफेक्ट में क्या हो रहा है, वाई कार्बन को एटम दे रहा है, तो कार्बन की तरफ है, तो इस पर डेल्टा पॉजिटिव होगा, इस पर डेल्टा नेगेटिव होगा. सो व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग इज कार्बन इज हैविंग एडिशनल इलेक्ट्रॉन, आई मीन कार्बन इज हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इट, तो जिसके वजह से इसका बेसिक कैरेक्टर बन जाएगा. एज हमने लुईस एसिड एंड बेस में पढ़ा है कि लुईस एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है एंड जो एक्सेप्ट करता है लूज बेस होता है, राइट? सो बेसिकली आपका बेसिक नेचर बढ़ता है प्लस आई इफेक्ट से. ओके, सो वही हम एसिड बेस को कंपेयर करना है. ओके, सो ऑल, नाउ यू हैव टू रिमेंबर फ्यू पॉइंट्स. ऑल अनायनिक स्पीशीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग. अगर कार्बन के साथ कोई भी अनायन जुड़ा हुआ है जिसपे एक्स पे नेगेटिव चार्ज, सो बेसिकली इट शोस कि वो हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. जैसे कि सी ट्रिपल बॉन्ड सी एंड देयर सी एच टू नेगेटिव, तो यहाँ क्या होगा, ये सी एच टू जो है ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, राइट? एंड द नेक्स्ट थिंग, अगर हम ऐसे कुछ देखें बट एट द सेम टाइम अगर हम इन दोनों कंपेयर करें तो किसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, तो वो सी एच टू नेगेटिव का होगा. ये अब हम पढ़ेंगे प्लस आई इफेक्ट क्यों ज्यादा होगा. सो प्लस आई इफेक्ट क्यों ज्यादा होगा सी एच टू नेगेटिव का. सो सी एच नेगेटिव का प्लस आई इफेक्ट इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि प्लस आई इफेक्ट के लिए, प्लस आई इफेक्ट का क्या कंडीशन था, प्लस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है. अब यहाँ पे जब सी एच टू नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है यहाँ पे, हमें डोनर को चेक करना पड़ेगा, डोनर को कंपेयर करना पड़ेगा क्योंकि बाकी सब सेम है. तो और सेकेंड हमारा क्या है, ये अब यहाँ ये देखो कि ये जो नेगेटिव चार्ज है रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है, स्टेबलाइज्ड है, राइट? तो बेसिकली ऑक्सीजन पे भी जा सकता है, तो इसी वजह से इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट कम हो जाता है, सी एच टू नेगेटिव का ज्यादा हो जाता है. तो हमें ये याद रखना कि प्लस आई इफेक्ट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनस्टेबिलिटी ऑफ अनायन. ओके, अनस्टेबिलिटी ऑफ अनायन, तो हम विद इन अनायंस कंपेयर करेंगे तो हम अनस्टेबिलिटी देखेंगे. ओके, नाउ आवर फर्स्ट पॉइंट इज डन, यू शुड मेक दिस नोट. सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्लस आई इफेक्ट is directly proportional to unstability of anion. क्योंकि anion से तो देखा ही, तो anion में compare करेंगे तो unstability देखेंगे. अब हम देखेंगे तो among the group check करते हैं, among the group ज़्यादा unstable और stable क्या होता है. among the group stability of anion किसके directly proportional होती है बताओ. तो group में क्या होता है, size बढ़ता है तो charge density कम होगी. charge density कम होगी इसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज ये कम दे पाएगा, राइट? क्योंकि नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर स्टेबलाइज्ड है. सो इसी की वजह से जब स्टेबिलिटी डायरेक्टली बढ़ती है साइज के साथ, तो जब साइज के साथ स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो हमारी ग्रुप के अंदर प्लस आई इफेक्ट कम होता है. समझे क्यों, इजी पीजी. क्योंकि साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी, मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज थी कम दे पाएगी. अब अमंग पीरियड देखते हैं, अब अमंग पीरियड देखेंगे तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है. जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो बेसिकली चार्ज ज़्यादा रखने की टेंडेंसी होती है. अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो इन दोनों में ज़्यादा चार्ज रखने की टेंडेंसी किस पे होगी, वो होगी हमारे एफ माइनस पे. तो ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ, एफ माइनस. जब ये स्टेबल हुआ तो एफ माइनस लेस क्या शो करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट. समझे क्यों, इजी पीज, राइट? अब हम आगे बढ़ते हैं. अब हम देखते हैं अल्काइल ग्रुप्स में क्या होता है. तो हम एक और अमंग पीरियड ये डिराइव कर सकते हैं कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट में देखें
तो सी एच टू माइनस सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, देन एन एच टू माइनस, देन ओ एच माइनस एंड देन सो ऑन। ओके, अब नेक्स्ट जो हम थिंग पढ़ने वाले हैं कि अल्काइल ग्रुप में क्या हो। जैसे अल्काइल ग्रुप है सी एच थ्री, देन हमारे पास लगता है सी एच थ्री सी एच टू। लेट अस अज्यूम कि हमारे कार्बन है, इसके साथ ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये अल्काइल ग्रुप है, इसे कहते हैं अल्फा कार्बन, जिसके साथ ग्रुप जुड़ा होता है अल्फा, उसके आगे वाले कार्बन को बीटा, और डिस्टेंस के साथ वो मतलब बीटा पे कम इफेक्ट होगा ना। अगला हमारा सी एच टू, ये ग्रुप लगा हुआ है सेकेंडरी कार्बन। थर्ड हमारा सेकेंडरी कार्बन लगा हुआ है या तो ऐसे, राइट, क्योंकि सेकेंडरी कार्बन। फिर हमारा हो सकता है टर्शियरी कार्बन। टर्शियरी सेकेंडरी हम कैसे चेक करते हैं, तो इस कार्बन से कितने कार्बन लिंक्ड हैं हम ये देखेंगे। इससे एक है तो ये प्राइमरी हो गया, इससे दो हैं तो ये क्या हो गया सेकेंडरी। और अगर हम तीन सी एच थ्री ऐड करते, क्योंकि कार्बन चार बॉन्ड बना सकता है ना, और ये ग्रुप ऐड करें हम इसी कार्बन चेन में मान के चलो, तो इसके ऊपर ये ग्रुप भी प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। कैसे प्लस आई इफेक्ट शो करता है, बेसिकली ये देखते हैं हम कि अल्काइल ग्रुप कैसे प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। ये सब रब करते हैं, कैसे सीखें अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट कैसे शो करता है। तो बेसिकली होता क्या है, मानो ये कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन एडेड होंगे तीनों, राइट। तो हाइड्रोजन क्या होता है, कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ क्या होगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव, कार्बन इनसे विड्रॉ करेगा। सो बेसिकली इन अ वे ये इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज बन गई। तो समझ में आया कैसे, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन सी होगी, जिस कार्बन के साथ जितने सी एच थ्री जुड़े होंगे, क्योंकि ये नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव इसके दे रहा है डेल्टा नेगेटिव और होगा, समझ रहे हैं। तो इसलिए टर्शियरी की सबसे ज़्यादा होती है, थर्ड डिग्री की प्लस आई इफेक्ट, देन सेकेंडरी की, देन प्राइमरी कार्बन की, ठीक है, और सबसे कम होगी मिथाइल की, अगर हम इन तीन चारों में कंपेयर करें तो। अब हम आगे बढ़ते हैं प्लस आई इफेक्ट में। तो अगर हम स्ट्रेट चेन में चेक करें, अगर हम स्ट्रेट चेन में चेक करें तो प्लस आई इफेक्ट डायरेक्टली बढ़ता है जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं, इसका रीजन हमने अभी देखा भी है, राइट। तो अगर अगर हमारा 1 डिग्री अल्काइल प्रोफाइल है और एट द सेम टाइम 1 डिग्री अल्काइल प्रोफाइल, अल्काइल बेसिकली जो ग्रुप है, मतलब बेसिकली हमारे जो ग्रुप है, मान के चलो इन दोनों ग्रुप को मुझे कंपेयर कर रहा हूँ सी एच टू सी एच थ्री, ओके, ये जुड़ा हुआ है, इससे ज़्यादा होगी हमारी सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू, राइट। सो इसमें क्या है, इसमें ज़्यादा कार्बन है तो ये ज़्यादा नेगेटिव चार्ज देंगे, तो इनकी डोनेटिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी ब्यूटाइल की, सॉरी प्रोपाइल की ज़्यादा होगी रैदर देन योर दिस टू कार्बन। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। सो प्लस आई इफेक्ट ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, हमने देख लिया है ब्रांचिंग से क्यों होता है, सेकेंडरी टर्शियरी की क्यों ज़्यादा होती है। ओके, बट हमें ये याद रखना है, अब हमें विद इन दीज टू हमें कंपेयर करना है, मान के चलो तो हमें इन दोनों के बीच में कंपेयर करना है। सो लेट अस कंसीडर कि अब हमें अनायन और मिथाइल ग्रुप के बीच में, क्योंकि हमने तीन चीज़ें पढ़ी, एक तो अनायन के लिए पढ़ा, राइट, फर्स्ट वन वाज फॉर अनायन, देन हमने पढ़ा कि अल्काइल ग्रुप के बारे में, अनायन में हमने पीरियड, ग्रुप में ऑर्डर देखे। अब हम अनायन और मिथाइल ग्रुप में देखें तो अनायन का हमेशा इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि इस पर एक रियल चार्ज है, और इस पर चार्ज किसके वजह से बन रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में, राइट, एक असली चार्ज नहीं है। तो इवन टर्शियरी की, इवन योर टर्शियरी की कम होगी किसी भी अनायन से अगर हम रिलेट करें तो। सो और अब नाउ लास्टली एक और चीज़ यहाँ इम्पॉर्टेंट हो जाती है, एक और चीज़ आ जाती है कि आइसोटोप में क्या करेंगे हम, जैसे अगर हमारा ट्रिटियम है, ड्यूट्रियम है और हाइड्रोजन है, तो बेसिकली एज नंबर ऑफ योर इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग, सो इसकी हमेशा हमारी सी टी थ्री की हमेशा ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर देन सी एच थ्री, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ तक हम आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड अबाउट प्लस आई इफेक्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन प्लस आई इफेक्ट, सो या आई मीन एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। माइनस आई इफेक्ट में, अब माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, अब आप बताइए माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। तो इसमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज जुड़ी होगी,
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ओके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। सो इसमें क्या होगा, सेम वे एक वाई ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि कार्बन से खींचने की कोशिश करेगा, फिर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जाएगा, ओके। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट थिंग हम यही पढ़ेंगे कि द थिंग इज, तो क्या होगा, इसके इसके वजह से, इसके इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है कार्बन के ऊपर, तो ये बेसिकली कार्बन का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा रहा है। हम बेसिकली अभी एसिड्स को कंपेयर करने वाले हैं आफ्टर दिस। सो एसिडिक कैरेक्टर इसने कैसे बढ़ाया आपको समझ में आया, क्योंकि ये अब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज, एंड इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज आर एसिडिक, इधर प्रोटोन एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, ओके। सो अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, अब हम इसमें कंपैरिजन देखते हैं। तो पहली थिंग, सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जैसे क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नियॉन। अब इन सब में हम कंपेयर कैसे करेंगे, तो हम ये देख सकते हैं क्लोरीन, ऑक्सीजन, नियॉन इसमें पीरियड में, और ये सारे ग्रुप में हैं। तो ग्रुप में क्या होता है, अगेन सेम थिंग, ग्रुप में साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने से स्टेबिलिटी कम, स्टेबिलिटी बहुत बढ़ती है। जब तुम्हारी स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो फाइनली होगा क्या, स्टेबिलिटी बढ़ने की वजह से हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम विड्रॉ कर पाएगा, राइट। अभी हम अनायनिक स्पीसीज के बारे में बात नहीं कर रहे तो वो कन्फ्यूज मत होना, ओके। सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर कम होगी, ओके। वाइल इन ग्रुप, अगर हम वाइल इन हम पीरियड देखें तो हम इसके बारे में अभी थोड़ा डिस्कस करेंगे यार। अब दूसरी थिंग, ऑल कटाइनिक स्पीशीज, जैसे वहाँ एनायनिक थी यहाँ कटाइनिक होगी, ऑल कटाइनिक स्पीशीज आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। सो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने कोर्स पढ़ा कि सारी सारी इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव, सेकेंड कटाइनिक, अब कटाइनिक में भी हम कंपेयर कर सकते हैं, हम ये स्पेशल केस कंपेयर करेंगे NH3+ का और NR3+ के कटायन का, और ये मैंने पहले भी अभी डिस्कस किया है कि तो इन दोनों को, अगर इन दोनों में से कोई कार्बन से जुड़ा हुआ है तो कौन ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। सो यहाँ ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट कौन शो करेगा आप बताइए, जनरली थिंकिंग, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में, बिकॉज ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आई वुड से थ्योरी के बारे में क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो हम इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। एंड द थिंग इज कि द थर्ड थिंग हम माइनस आई इफेक्ट में पढ़ने वाले हैं, इज कि माइनस आई इफेक्ट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एस कैरेक्टर से। अब ये एस कैरेक्टर क्या होता है, तो जैसे अगर हमारा कार्बन के साथ ये अल्कीन जुड़ा हुआ है या अल्काइन जुड़ा हुआ है, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे कि अल्काइन ज़्यादा माइनस आई शो कर रहा है अल्कीन या हमारा नॉर्मल अल्कीन। सो बेसिकली जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू न्यूक्लियस आता है, राइट, क्लोजर टू न्यूक्लियस मतलब खींचने की कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ती है, इसके वजह से एस पी विच इज बेसिकली सी ट्रिपल बॉन्ड सी ये सबसे ज़्यादा होगी रैदर देन दिस एंड रैदर देन दिस, ओके। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर इसमें होगी क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है, और यू कैन से इन अ वे कि ये सबसे ज़्यादा वो है, ये इसके अंदर सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर है। अब नेक्स्ट थिंग इज योर फाइनल थिंग, फाइनल कंडीशन। तो हमने चार कंडीशन पढ़ी, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कटाइनिक एलिमेंट, देन पोजिटिव एस कैरेक्टर टू कंपेयर विद इन अल्कीन एल्कीन अल्काइन, देन फाइनल वन इज योर इफ अ कंपाउंड इन विच की एटम इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट थ्रू अ मल्टीपल बॉन्ड आर माइनस आई इफेक्ट। सो बेसिकली अगर मल्टीपल बॉन्ड से अगर कोई भी की एटम जुड़ा हुआ है तो वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, इसी वजह से हमारे सारे सारे फंक्शनल ग्रुप क्या शो करते हैं, माइनस आई इफेक्ट। जैसे हमने क्या क्या फंक्शनल, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एल्कीन सी, क्या होता है ये ऐसे होता है, तो इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ओके। एंड फिर हमारा साइनाइड हो गया तो इसमें भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव आ जाता है, तो उसके रीज़न यही होते हैं, ओके। सो अब हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ओके। सो आई होप ये चार कंडीशंस आपको अच्छे से समझ में आई हो, विल टेक अ पॉज फॉर 2 मिनट्स, ओके, एंड देन विल बिगिन। सो या अब हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, एंड एट द सेम टाइम मैं क्वेश्चंस होने के बाद एक फाइनल सीरीज बताऊंगा
फॉर माइनस आयन इफेक्ट जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगी यूजुअली, रूटीन्स नहीं बताती हैं, मोस्ट ऑफ दिन जो बताती है उसमें एरर्स होते हैं बहुत से. तो आई मेड इट माई सेल्फ बाई लर्निंग फ्रॉम वेरियस प्लेसेस. तो वो आपको हेल्प हेल्प यू अलॉट. एंड देन हम नेक्स्ट क्लास में मेजोरमेरिक इफेक्ट को कवर करेंगे एंड देन उसके बाद हाइपर जनरेशन एंड देन दीज विल कम इन योर बोर्ड्स टू. बट आफ्टर दिस विल टॉक अबाउट ऑर्थो इफेक्ट विच इज़ अ रियली इम्पॉर्टेंट इफेक्ट एंड अ लॉट ऑफ एक्सेप्शन एंड अ लॉट ऑफ हाई प्रोफाइल क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक. सो या फर्स्ट इज टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स देन विल मूव ऑन टू दोस थिंग्स. ओके सो या द फर्स्ट क्वेश्चन इज you'll have to compare carboxylic acid and cyanide. Which one do you think has more electronegativity? Or you can say which one has more minus electronegativity. So here when you see anion third is nitro group or something. Or we'll begin with another easier question. Easier but a good question. So, अगर हमें कंपेयर करना है NH3 पॉजिटिव NR3 पॉजिटिव NHR2 R यहाँ अल्काइल ग्रुप को शो कर रहा है NH2R. ओके इन चारों को कंपेयर करना है. सो विच वन डू यू थिंक विल शो मोर विच वन डू यू थिंक विल शो मोर माइनस इफेक्ट. वेल अगर आप सोच रहे होंगे एन एच थ्री बिकॉज यहाँ यू माइट बी थिंकिंग दिस वे कि नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है, नाइट्रोजन के साथ एक आर ग्रुप लगा हुआ है विच इज़ बेसिकली सी एच थ्री राइट. तो ये सी एच थ्री में ये डेल्टा इस पर देगा और इस पर डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा. तो ये एक तरीके से डेल्टा नेगेटिव से देगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज रिलेटिवली कम होगा हाइड्रोजन के कंपेरिजन में राइट. बट दैट इज रॉन्ग. हेयर द ऑर्डर विल बी एन आर थ्री पॉजिटिव हाईएस्ट देन एन एच आर टू देन दिस वन फर्स्ट सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट एंड थर्ड देन फोर्थ. वाई सो बेसिकली यहाँ हम ये देखेंगे कि एन और एच जो बॉन्ड है वहाँ एच की हमारी इलेक्ट्रॉनिक है 2.1 है, हाइड्रोजन की होती है 3. सेम वे एन आर बॉन्ड में देखो हाइड्रोजन की 3 है बट इसकी है 2.4, मतलब ये नाइट्रोजन से खींच रहा है इलेक्ट्रॉन विच इज बेसिकली इंक्रीजिंग द पॉजिटिव चार्ज. जब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी और जब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी इंक्रीज होगी. अब यू माइट आस्क कि हमने सी एच थ्री पे तो वो भी पढ़ा था कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है एंड ऑल, बट यहाँ जो इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो मच मोर डिपेंडेंट होता है. तो यहाँ हमें एक और पॉइंट जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था तो हमें याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनस्टेबिलिटी ऑफ कटायन. मतलब कटायन अनस्टेबल होगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा राइट, सेम एज लास्ट टाइम. सो अब अनदर क्वेश्चन सी ओ एच नॉट ओ एच. ओके सो दिस इज योर एल्डिहाइड ग्रुप सी एच ओ एंड वर्सेज कार्बोक्सिलिक एसिड. तो एल्डिहाइड वर्सेज कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे प्लस है इसमें भी, यहाँ पे भी इसको प्लस है, कंपेयर करना है तो किसकी ज़्यादा होनी चाहिए. व्हाट डू यू थिंक, यू मस्ट बी थिंकिंग कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है यहाँ पे एक और इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो प्रोबेबली ये पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होना चाहिए. बट ये लेस होता है. व्हाई इज दैट, क्यों? क्योंकि कार्बन के पास दो इलेक्ट्रॉन है ऊपर नीचे और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन, ये हमने पढ़ा था रेजोनेंस का सिक्स केस कि अगर एक भूखा हो वो भी सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता हो और दूसरे के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो तो वो उसे डोनेट कर सकता है. यहाँ वी कैन पी और वाइटल हो यहाँ पॉजिटिव चार्ज की वजह से. दैट इज़ वाई हमने एक और चीज़ देखी थी कि यहाँ होता क्या है, ये अगर हम इसका रेजोनेंस बनाएं ए डबल बॉन्ड बी सी पे लोन पेयर, तो इसका रेजोनेंस बनाए तो ये पॉजिटिव चार्ज तो खत्म हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा नेगेटिव. तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, सी ओपन नेगेटिव एंड डबल बॉन्ड ओएच पॉजिटिव. सो जिसके वजह से ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, डीलोकलाइज. जब कोई भी चीज़ डीलोकलाइज होती है या रेजोनेंस में टेक पार्ट करती है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है. रेजोनेंस का मेजर काम ये होता है कि वो स्टेबिलिटी बढ़ाता है.
आपको समझ में आया होगा कि एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में एल्डिहाइड ज़्यादा माइनस एफेक्ट कुछ होता है. ओके, देन एग्जांपल 3 NO2 को कंपेयर करते हैं विथ साइनाइड एंड CHO. तो हम क्या सोचते हो, तो इन तीनों में हम कौन सी कंडीशन लगाएंगे, तो हम इसका ग्रुप बनाते हैं. इसका ये होता है ओके NO2 N पे पॉजिटिव होता है, यहाँ मतलब एक सॉर्ट ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, और ये साइनाइड है पॉजिटिव नहीं होता पर पॉजिटिव शो करता है मतलब यहाँ पे, और यहाँ पे ये हो गया. सो यहाँ सबसे ज़्यादा ये इन तीनों में सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, तो यहाँ हम एक चीज़ देख सकते हैं sp हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज है, और यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है फर्स्ट वाले में. और रिमेंबर जो हमारा sp हाइब्रिडाइज था, जैसे हमने फर्स्ट केस में प्लस आई के में पढ़ा था कि जो टर्शियरी सेकेंडरी वो हमेशा कम होगा मेन से, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ मोर डोमिनेंट इफेक्ट है. सबसे ज़्यादा डोमिनेंट इफेक्ट होगा यहाँ पे कटायन, देन होगा हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ये अभी मैं सीरीज बताऊंगा इसलिए मैंने बता ही दिया आपके लिए. देन होता है हमारा ये एस कैरेक्टर एंड मतलब फिर उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फंक्शनल ग्रुप भी आ गया, फिर एस कैरेक्टर वाली चीज़. तो यहाँ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हुआ ए, देन हमारा बी, देन सी. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. हमने बी और सी को कैसे कंपेयर किया, एस कैरेक्टर से. ओके, क्योंकि कोई रेजोनेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई फालतू की चीज़ नहीं है. ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं. योर थर्ड क्वेश्चन इज कि आप माइट ग्रुप को कंपेयर करो, ई डबल बॉन्ड हो एन एच टू विथ सेम एज, यहाँ पे भी कार्बन पे हो, यहाँ पे भी रेजोनेंस होगा ओ एच सेम एज, यहाँ सी ओ सी एल लगा दिया है ना. अब इन तीनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ देखना क्या है, हम यहाँ देखेंगे कि रेजोनेंस तो तीनों में ही हो रहा है, रेजोनेंस जब तीनों में ही हो रहा है तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसिडर करेंगे. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, तो क्लोरीन सबसे ज़्यादा खींचेगा, फिर बी खींचेगा, फिर ए खींचेगा. ईजी क्वेश्चन है. सो अब हम आते हैं फाइनल डिडक्शन करते हैं. फाइनल डिडक्शन कैसे करेंगे हम, तो फाइनल डिडक्शन ये है आज का क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट, जो नेक्स्ट क्लास में यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि क्वेश्चन नहीं होंगे फिर डोंट रिमेंबर. सबसे ज़्यादा होती है एन आर थ्री पॉजिटिव की, देन एन एच आर टू की, प्लस हम माइनस आई की बात कर रहे हैं, देन एन एच टू आर, देन हमारा मतलब कटायन सबसे ज़्यादा, देन हमारा जाएगा एनओ टू. एनओ टू हमने देखा था अभी, फिर हमारा होता है साइनाइड ग्रुप. ओके, फिर इसके बाद आता है हमारा सल्फोनिक एसिड, फिर आता है एल्डिहाइड ग्रुप, देन हमारा आता है कीटोन ग्रुप, देन हमारा आएगा सी ओ सी एल. सबके रीजन मैंने बताया सी ओ एच, देन हमारा आएगा ये जो सीरीज है ये आपको बहुत सी कोचिंग में मिलेगी, तो याद रखेंगे. इसके बाद हम ये क्या हो गया, पहले फंक्शनल ग्रुप्स हो गए एंड देन फिर हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज आ गए जी हाँ. फिर हमारा एस कैरेक्टर में आया ट्रिपल बॉन्ड. अब ये याद रखना कि ट्रिपल बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या ट्रिपल बॉन्ड का ये ज़्यादा होता है एन एच टू से. कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं एंड पीपल गेट रियली कन्फ्यूज, तो यहाँ से जो पार्ट है ना ये कोई कोचिंग वाले नहीं बताते, इसके बाद का जो मैं बताऊँगा. सो एन एच टू के बाद, सो इसके बाद तो एन एच टू के बाद आता है हमारा एन एच टू के बाद हमारा आता है ओ एच ग्रुप. ओके, एंड ओ एच के बाद आता है हमारा ओ आर ग्रुप. ओ आर और ओ एच में ओ एच का ज़्यादा होता है, यहाँ एन आर वाला रूल नहीं फॉलो होता सेम, क्योंकि ओ बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ओ खींच लेता है इससे. ठीक है, एट द सेम टाइम आर वहाँ डोनेटिव की तरह वर्क करता है. ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से. देन हमारा डबल बॉन्ड, देन हमारा सिंगल बॉन्ड एंड सो ऑन. और एन एच टू के बाद आता है हमारा एक और कंपाउंड, मैं भूल गया था. एन एच टू के बाद हमारा आता है सी सिक्स एच फाइव, हमारा था सी सिक्स एच फाइव. तो बेंजीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अल्केन और अल्कीन से ज़्यादा होती है. ठीक है, और ये ओ एच और ओ आर का आई थिंक ये ब्रोमीन के बाद था. हाँ, ब्रोमीन के बाद ओ एच ओ आर, देन ट्रिपल बॉन्ड, देन एन एच टू, देन हमारा बेंजीन, देन हमारा सी डबल बॉन्ड सी, एंड देन अल्केन. ये आपको याद रखना है, ये सी बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ़ यू रिमेंबर दिस ये आसानी से हो जाएगा आपका, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होंगे प्लस आई इफेक्ट में,
इट इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस. या मैंने ये सीरीज बहुत फैन से बनाई थी, एक्चुअली यू वॉन्ट इवन फाइंड इट ऑन गूगल द एंड पोर्शन ऑफ इट. सो या दैट इज इट फॉर योर इंडक्टिव इफेक्ट. ऑल्दो देर आर फ्यू थिंग्स लेफ्ट इन इट. सो इंडक्टिव इफेक्ट में हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं आप एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स के गेट रियली कन्फ्यूज इन इट. सो मैंने इसलिए यार टॉपिक उठाया है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. तो हम बेसिकली यहाँ ना कार्बोक्सिलिक एसिड को हमारा मेन ग्रुप होगा और इससे जुड़े हुए हम ग्रुप्स को चेक करेंगे. सो यहाँ हम इसकी प्लस माइनस आई नहीं देख रहे क्योंकि इस पर इफेक्ट हो रहा है. तो इससे जो ग्रुप जुड़ा होगा ना इसका हम प्लस आई और माइनस आई देखेंगे. तो हम चेक करेंगे कि एसिडिक कैरेक्टर कैसा होगा. जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं जाने से पहले कि अगर हमारा ये रहा विच इज ऑल्सो नोन एज यू शुड राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. तो इसे क्या बोलते हैं. सो इसमें जब सी एच थ्री नहीं ऐड होता तो इसका जनरल नेम क्या होता है. ठीक है वरना और वो तो नहीं आयु का एक तो ईजी है. एंड देन सेकेंड इज इन तीनों को अगर हम कंपेयर करें तो विच वन डू यू थिंक सबसे ज़्यादा विच ऑफ दीज कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा. ये तो सबसे ज़्यादा एसिडिक क्या होता है कार्बोक्सिलिक होगा. ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है सी एच थ्री ग्रुप मैंने बताया था. और यहाँ सी एच थ्री सी एच टू ग्रुप क्या शो कर रहा है प्लस आई इफेक्ट सेम वे. जब ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है तो बेसिकली होना क्या चाहिए यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन आराम से निकल जाना चाहिए. मतलब यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड की स्टेबिलिटी कार्बोक्सिलिक एसिड तो एसिड का कंसेप्ट क्या होता है. एसिड का कंसेप्ट ये होता है कि रिजल्टिंग जो बेस बने पता है ना जब एसिड से हाइड्रोजन निकल जाता है तो एक बेस होता है क्योंकि वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो जाता है. तो रिजल्टिंग जो बेस हो वो हो स्टेबल. अगर ये जो नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज जैसे मैंने हाइड्रोजन निकाल दिया कार्बोक्सिलिक एसिड से तो ये जो नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज है ये ज़्यादा स्टेबल है तो क्या होगा. तो बेसिकली ये वापस से उस हाइड्रोजन को नहीं मांगेगा. तो हाइड्रोजन को नहीं मांगेगा मतलब ये हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है. हाइड्रोजन डोनेट डोनर को क्या बोलते हैं. हाइड्रोजन डोनर को बोलते हैं एसिड. सो बेसिकली यहाँ एसिड की स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिजल्टिंग बेस द रिजल्टिंग नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज. तो रेजोनेंस तो तीनों में होगा है कि नहीं. रेजोनेंस तीनों में होगा तो हमें ये एक्स्ट्रा चीज़ देखनी पड़ेगी. तो हमें नेगेटिव चार्ज को बढ़ाना है. तो एज यू कैन सी यहाँ प्लस आई इफेक्ट हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है. नेगेटिव चार्ज को कम करना है. नेगेटिव चार्ज क्योंकि चार्ज जब कम होता है रिमेंबर दिस ये फिजिक्स केमिस्ट्री हर जगह का रूल है. चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी और हमें इस नेगेटिव चार्ज को क्या करना है स्टेबलाइज करना है. स्टेबलाइज क्यों करना है. अगर ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा जब तो ये हाइड्रोजन को रिलीज करेगा क्योंकि हाइड्रोजन को जब भी रिलीज करेगा अगर ये खुद स्टेबल होगा ना अनस्टेबल होने के लिए कोई क्यों रिलीज करेगा. तो ये जो एडिशनल ग्रुप है ये हाइड्रोजन ये क्या करने चाहिए ये हमारे नेगेटिव चार्ज को और स्टेबल बनाने चाहिए. बट द थिंग इज यहाँ हो क्या रहा है नेगेटिव चार्ज हमारा डीस्टेबलाइज हो रहा है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट. क्योंकि प्लस आई इफेक्ट कहती है और नेगेटिव इन्हें दे रहे हैं तो इसके वजह से क्या हो रहा है डीस्टेबिलिटी आ रही है उस नेगेटिव चार्ज में कॉन्जुगेट बेस में. तो इसी वजह से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा फर्स्ट वाला फिर सेकेंड वाला फिर थर्ड वाला. होप यू अंडरस्टूड इट. तो हम इसको डीप डाइव करने वाले हैं अब नेक्स्ट क्लास में इन एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. ये नेगेटिव इफेक्ट का मोर ओवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. So yeah, after completing this, we'll move on to mesomeric effect, hyperconjugation, and then we are going to talk about ortho effect. I'm really excited and you will surely enjoy all the classes. So yeah, I'll see you in the next one. Take care. Bye-bye.